हेलो एंड वेलकम शाबाश इंडिया के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। हर बार हम आपको ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने अपने आसपास छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े आविष्कार कर डाले। हर बार हम आपको मिलाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने इनोवेशंस किए हैं। हम आपको बताते हैं तीन आविष्कारों के बारे में और कैसे हमारे देश के लोगों ने ये आविष्कार किए। लेकिन आज हम आपको मिलाने वाले हैं 10 होनहारों से जो हैं भारत की शान, मेक इन इंडिया की पहचान और स्किल इंडिया की जान। तो आइए देखते हैं ये स्पेशल एपिसोड बेस्ट ऑफ शाबाश। लखनऊ के एक बुजुर्ग प्रोफेसर, जिस उम्र में लोग अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे होते हैं उसी उम्र के अंदर इन्होंने एक नई तकनीक ईजाद की है और ऐसी तकनीक जिससे करोड़ों लोगों का फायदा हो सकता है। इस तकनीक के जरिए हवा से गाड़ी चल सकती है और दुनिया की कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती है कि वो प्रोफेसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तानियों को ही मिले और इसीलिए वो ये तकनीक किसी और कंपनी को बेच नहीं रहे। आइए देखते हैं क्या बनाया है प्रोफेसर साहब ने। लखनऊ, यूं तो शहर अपने आप में एक अजूबा है। शहर की तहजीब, शहर का अदब, शहर की इमारतें, सब कुछ इसी शहर में थी। हमारी मंजिल भी, यानी एक ऐसी बाइक जो पेट्रोल से नहीं, डीजल से नहीं, बल्कि हवा से चलती है, जिसकी तलाश में हम पहुंचे लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां एक बड़े से हॉल में पूरे ठाट पूरी शान से खड़ी थी देश की पहली एरो बाइक, यानी एक ऐसी सवारी जिसके एक किलोमीटर के सफर की कीमत है सिर्फ 12 पैसे। जी हां, सिर्फ 12 पैसे, यानी 5 रुपए में 40 किलोमीटर, 10 रुपए में 80 किलोमीटर। मतलब ये बाइक दिल्ली से लखनऊ की दूरी सिर्फ 65 रुपए में तय कर सकती है और इसे बनाया है इस कॉलेज के डायरेक्टर बीआर सिंह ने। साधारण तौर से जैसे आप समझने की कोशिश करें तो ये हवा से चलती है। हवा से चलने का मतलब यह है कि जो एटमॉस्फेयर में हवा है उसी को कंप्रेस करके और उसको स्टोरेज कर दिया जाता है 90 और 100 के बीच में। ये बहुत अच्छी स्पीड और ये पावर भी जनरेट करती है। इस बाइक को रफ्तार देने के लिए सिर्फ कंप्रेस्ड एयर की जरूरत होती है, जिसके लिए इस बाइक में 4 इंच डायमीटर के 2 सिलेंडर लगाने का प्रावधान है। हालांकि फिलहाल कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई के लिए इसे एक पाइप के जरिए जोड़ा गया है। इस बाइक में एक सीमलेस यानी बिना किसी जोड़ का इंजन लगाया गया है ताकि किसी दुर्घटना के वक्त इंजन को नुकसान न पहुंचे। ये बाइक 80 किलोमीटर की रफ्तार से सफर तय कर सकती है। रही बात हवा की, तो टायर की तरह बाइक के सिलेंडर में भी हवा को भरा जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस बाइक में कोई गियर नहीं है, लेकिन बीआर सिंह अब इस तैयारी में है कि बाइक में गियर लगाकर गति को बढ़ाया या घटाया जा सके। एक ऐसी बाइक जो हवा से चलती है, जो पेट्रोल के मुकाबले सस्ती है, जिससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। यही वजह है कि बुल्गारिया, कनाडा और जर्मनी जैसे देश बीआर सिंह से उनकी तकनीक मांग रहे हैं, लेकिन बीआर सिंह चाहते हैं कि हवा से चलने वाली बाइक हिंदुस्तान में बने और उसका फायदा भी हिंदुस्तानियों को हो। शाबाश इंडिया के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, आपको बताएंगे कुछ नए आविष्कारों के बारे में, मिलाएंगे कुछ नए इनोवेटर्स से। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आकाश सोनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabashindia@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #ShabashIndia पर ट्वीट भी कर सकते हैं।